Hey everyone, please subscribe to the channel and press the bell icon to stay connected with Mom's Healthy Kitchen. Before starting the recipe, please note down the ingredients. हेलो एवरीवन, आज हम टूटी फ्रूटी बनाएंगे, वो भी पपाया से, रॉ पपाया, कच्चा पपीते से हम टूटी फ्रूटी बनाएंगे और धूप में सुखाने की कोई झंझट नहीं है। इसके लिए हमें कच्चा पपाया चाहिए 3 कप्स के अराउंड। इसे हम चॉप्ड कर लेंगे, इसे हम एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसे थोड़ा सा हम 2-3 मिनट उबाल लेंगे। इससे पानी निकाल लेंगे। इसमें हम चीनी मिलाएंगे 1 बोल और पानी मिलाएंगे 2 बोल। इसे हमने अब गैस पे चढ़ा दिया है। फ्लेवर के लिए मैंने सिनेमन ऐड किया है, ये ऑप्शनल है। इसे 10 से 15 मिनट पकने के लिए लगेंगे, ट्रांसफ़र होने तक इसे बंद कर देंगे। मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। आप जितने भी फूड कलर ऐड करेंगे उतने पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लीजिए। शुगर सिरप के साथ इसे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और इसमें अपने अकॉर्डिंग फूड कलर ऐड कीजिए। फूड कलर मिला लिया है मैंने। अब इसे मैंने स्टील के बर्तन में निकाल लिया है अलग अलग। इसे अब हम जब खाना बनाएंगे तब गैस के नीचे रखेंगे ताकि इसे धूप देने की कोई ज़रूरत ना पड़े। 2 दिन में ये बन के रेडी हो जाएगा। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन ट्राई करके देखिए, गैस के नीचे ये बहुत अच्छे से सूखेगा। तो हमारा टूटी फ्रूटी बनके रेडी है और इस टूटी फ्रूटी को हम बहुत सारे डिशेस में यूज़ कर सकते हैं, लाइक आइसक्रीम, केक, ब्रेड और भी बहुत कुछ। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।